नमस्कार, मैं हूँ महावस्तु सर्टिफाइड ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आचार्य नेहा। आप अपने आप को जानते हैं, कितना जानते हैं, आपके कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कभी आपने इसको सोचा है? आप किस चीज को अपनाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी आइडेंटिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आप एक इंडिविजुअल जो आपका एक आइडेंटिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसके लिए आपका होरोस्कोप मदद करता है। महावस्तु फाउंडर डॉक्टर कृष्ण बंसल जी के केबी टेक्निक में आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर, आपके क्या कोर स्ट्रेंथ है, इससे कैसे आपके डेली लाइफ में आपके सोच को रियलाइज करके आप कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इसमें बताया गया है। आपकी कोर्स, आपकी एनर्जी, जो बिहेवियर है, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब आपका एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, वो है हॉरोस्कोप का पहला बॉक्स। कुंडली में जो पहला बॉक्स है वही लग्न कहा जाता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। आप दुनिया के लिए कैसे दिखते हो, दुनिया आपको कैसे देखती है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये सब यहाँ से पता चलता है। फर्स्ट बॉक्स आपको सशक्त करना है, यानी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट बॉक्स के जो साइन है उसको अपनाना है, उसकी क्वालिटीज को आपके डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में मेष राशि है, यानी एरिस साइन, एरिस साइन का एट्रीब्यूट्स है स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व देना, किसी भी चीज के लिए फास्ट एक्शन ले लेना, प्रोटेक्ट करना, ये उनके क्वालिटीज। अगर आपके डेली लाइफ में ये क्वालिटीज अपनाओगे, आप स्पॉन्टेनियस किसी भी चीज को रिजॉल्व देने की क्षमता रखोगे, उसके काम करने स्टार्ट करोगे, किसी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करोगे, एक्शंस फास्ट ऑन द स्पॉट एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, तो आपकी फर्स्ट बॉक्स स्ट्रेंथन हो जाएगी। ऐसे कर्क राशि एक सेंसिटिव एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर, जो अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी भी चीज को पहले ही वो सेंस कर लेता है। क्रैब का एक क्वालिटी है, अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में कैंसर है तो आप बहुत ही सेंसिटिव रहोगे, इंट्यूटिव रहोगे, यानी आपको पहले ही आभास होने लगता है कुछ आगे क्या होने वाला है। तो ये जो क्वालिटी है आपको नर्चर करने की जरूरत है, आपको केयरिंग की क्वालिटी को अपनाने की जरूरत है। आप अपने परिवार को या कोई भी हो, आप सब केयर करेंगे, अपने आप को केयर करेंगे, और जो भी आपको सेंस होता है उसको आप एक्सेप्ट करें, उससे पहले ही आप एक्शंस लोगे, केयर करें, तो आपका जो कोर स्ट्रेंथ है, जो सेंस करने की, किसी भी चीज को पहले ही सेंस करने की या केयरिंग करने का जो स्वभाव है, आप इसे नर्चर करने से आप और स्ट्रांग होते जाओ। वैसे ही अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में सैजिटेरियस साइन है, यानी धनुराशि, तो आपको हमेशा एक गोल को लेके काम करते चलना चाहिए, किसी भी चीज को पहले गोल निर्धारित करनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको डिसाइड करके आपको एक्शन लेनी चाहिए। हमेशा नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे साइन अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में है, जो भी लोग हैं धनुराशि के, वो हमेशा भागते रहते हैं, जैसे मतलब एक के पीछे एक, जैसे कुछ इतना इमरजेंसी है कि वो ऐसे रहते हैं, हमेशा किसी न किसी के चीज काम में उलझे हुए रहते हैं, किसी न किसी चीज को अचीव करने में रहते हैं, तो क्योंकि उनका लाइफ है हमेशा एक चीज को गोल कर रखते हुए काम करना। तो अगर आपका राशि या आपका फर्स्ट बॉक्स धनुराशि है, तो आपको ये क्वालिटीज अपनानी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके बॉक्स फर्स्ट बॉक्स तुला राशि है, तो तुला राशि क्या रिप्रेजेंट करती
है बैलेंस। अगर बैलेंस लाइफ आप अपनाओगे तो आप अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है वो नर्चर करके और सशक्त हो जाओगे। ऐसे जो राशि है उसका क्वालिटीज आप अपनाने से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये पहले बॉक्स का जो दुनिया आपको मानती है उसको, दुनिया के लिए आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की तरह दिखने के लिए ये आपको मदद करेंगे। ये रहा आज का टॉपिक, और एक टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आती। तब तक के लिए नमस्कार।